हेलो दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आज के इस वीडियो में एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहता हूं। ये है कि घर के अंदर जो हम बाथरूम का निर्माण करते हैं, इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूं कि हमको किस एरिया में, घर के किस क्षेत्र में टॉयलेट का निर्माण करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। फर्दर उसके माइन्यूट वास्तु में हम जाते हैं तो जो बाथरूम के अंदर टॉयलेट के अंदर हम टॉयलेट सीट का फिक्स कराते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीट का जो फेस है वो पूर्व की तरफ नहीं होना चाहिए, ईस्ट की तरफ हमारा। जब हम मलमूत्र त्याग रहे हैं उस समय हमारा फेस ईस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मानना है। और जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं या खुले में हमें यूरिन करना होता है, उसमें भी ध्यान देने की बात यह है कि जब हम यूरिन कर रहे होते हैं उसके ऊपर में सूर्य की किरणें ना गिरें। जब सूर्य की किरणें यूरिन पर गिरती हैं तो उसका हमको नेगेटिव इफेक्ट आता है। सूर्य भगवान को लोटे से जल दिया जाता है, अर्क दिया जाता है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए हमारा फेस किसी दूसरी दिशा में घूम करके करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप सूर्य की किरणों की तरफ अपना पेशाब यूरिन करते हैं, इससे जो उस पर किरणें पड़ती हैं और उसके इफेक्ट से हमारी आंखों के द्वारा हमारे स्किन पर फर्क पड़ता है। बहुत माइन्यूट चीज है, समझने में बहुत समय लगता है इसको। छोटे बच्चे की स्किन कमजोर होती है, मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, तो उनके चेहरे पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि व्हाइट व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं, जिन्हें सीप बोलते हैं। इस चीज से बचें। दूसरी चीज, कई बार अनजाने में बच्चे या जल्दबाजी में बड़े लोग भी गलत जगह पे पेशाब कर देते हैं या टॉयलेट कर देते हैं, उसको बचना चाहिए। जैसे पीपल के पास मलमूत्र का त्याग ना करें, बरगद के पेड़ के पास मलमूत्र का त्याग ना करें, बेल का पेड़ उसके पास मलमूत्र का त्याग ना करें, दूसरे पेड़ जिनके पत्तों से टहनी से तोड़ने पर आप देखते होंगे दूध निकलता है, सफेद द्रव्य निकलता है, ऐसे वृक्षों के पास भी गंदगी ना फैलाएं, मलमूत्र का त्याग ना करें। इनसे हमको पाप लगता है, नेगेटिविटी आती है। और ऐसे ऐसे रोग हमको लग जाते हैं जिनका डॉक्टर भी इलाज नहीं ढूंढ पाता है, डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते हैं, और आप भी चारों तरफ इधर उधर घूमते रहेंगे, यहां दिखाओ वहां दिखाओ, झाड़ फूक कराओ,
तो भी उसका जल्दी से असर नहीं जाता है। ये प्रकृति है, प्रकृति की इज्जत करें, प्रकृति से हमेशा सावधान रहें। जितना आप प्रकृति से प्यार करेंगे उतना आपको अच्छे फल मिलेंगे। किसी देवालय के नज़दीक पेशाब ना करें, किसी स्कूल के बाउंड्री वाल के नज़दीक बाउंड्री वाल पर पेशाब ना करें, किसी भी देवालय के नज़दीक पेशाब ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जीवन में उतार लेनी चाहिए और बच्चों को सिखानी चाहिए। इसमें हमारा कुछ खर्च नहीं होता है, हमेशा इससे हमको हेल्प मिलेगी और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे। मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।